मेहनत कर रहा होता है तो उनकी उसकी नज़र भाई माँ दुर्गा पे पड़ता है, तो वो भाई वहाँ पे फिर माता दुर्गा और उनसे फिर झगड़ा होता है। ऐसे तो पहले शक्ति के आसार से होता है कि मतलब शक्ति को दिखाते हुए होता है, लेकिन उससे बात नहीं बनता है तो फिर भाई महादेव प्रकट होते हैं और वो उनको तिलछुल देते भाई। उसके बाद तिलछुल लेने के बाद उससे फिर वध किया जाता है भाई महिषासुर का। तो ये भाई था वो अंदर का जो भी ये जो मतलब जो लाइट चल रहा था उसकी ये डिटेल थी भाई अंदर। ये गायब हो जाता है मतलब रिपीटेड लगभग पाँच सेकेंड का ये रिपीटेड है, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। अभी भाई हमें लग रहा है कि बहुत कम ही चल रहा है, लेकिन जब लाइन में यदि लगते हैं तो जस्ट आपको सिर्फ 2 सेकेंड भाई यहाँ पे रुकने को मिलता है, वहाँ से एंट्री कीजिएगा और यहाँ से भाई एग्जिट हो जाइएगा और बस वही 2 सेकेंड आप देख पाइएगा, पूरा वीडियो आप देख भी नहीं पाएगा। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आप पूरा देख लो कि क्या है भाई ये थीम क्या है। स्वागत है भाई आप सभी का एक नए वीडियो में और नवरात्रि भाई स्टार्ट हो गया और मैं हूँ कोलकाता में और कोलकाता में रहते हुए भाई मैं आ गया हूँ संतोष मित्रा स्क्वायर पंडाल के पास जो कि सियालदह से मात्र 1 किलोमीटर के अंदर ही बनता है। और ये संतोष मित्रा स्क्वायर भाई हर एक साल वन ऑफ द बेस्ट पंडाल बनाता है जो कि पूरे कोलकाता में भाई टॉप 5 में तो रहता ही है, 2 से 3 मेरे ख्याल से 2 या 3 नंबर पर रहता है लेकिन टॉप 5 में तो रहता है भाई। और मैं अभी उसी पंडाल के जस्ट सामने खड़ा हूँ, ये है भाई यहाँ का ऊपर, यहाँ पे मीडिया वगैरह रहती है। अभी आज है भाई 2रा दिन, नवरात्रि स्टार्ट हुए आज है 2रा दिन और अभी से ही भीड़ लाना स्टार्ट हो गया भाई। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग भीड़, इतना लोग भीड़ में आ गए हैं भाई। भाई 2023 में यहाँ पे राम मंदिर अयोध्या का थीम पे यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन इस बार 2024 में भाई 11D लाइट्स के माध्यम से इस पंडाल को तैयार किया गया है। आप यहाँ पे आप भाई फ्रंट एरिया से देख सकते हो किस प्रकार का व्यू है, लेकिन इसके अंदर भाई और ही गजब व्यू लगता है यहाँ पे देखने में। ये भाई मैं खड़ा हूँ जस्ट पंडाल का सामने भाई, जहाँ पे मीडिया और ये VIP लोग बैठते हैं भाई, इसके बगल में हूँ। अभी भाई रामनवमी स्टार्ट हुए 2 ही दिन हुआ है और ये 2रा दिन है, इसलिए सारा कुछ आप यहाँ पे आपको रेडी नहीं हुआ दिख रहा होगा। ये भाई बांस खूंटी ये सारा कुछ लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि इतने भीड़ लोग यहाँ पे आकर देख रहे हैं भाई, यहाँ पे देख सकते हो इतने लोग आकर देख रहे हैं। और ये है भाई संतोष मित्रा स्क्वायर का ये पंडाल 2024। भाई आप यहाँ पे सामने आप देख सकते हो इस प्रकार से बीच में बनाया गया है जो कि फुहारा शायद यहाँ पे छोड़ेगा जैसे कि पानी यहाँ पे आएगा, लेकिन अभी है 2रा दिन ही इसलिए अभी पूरा रेडी नहीं किया गया है। और आप यहाँ पे पंडाल भी देख सकते हो इस साइड से अधूरा है, बांस लगा हुआ है फ्रंट एरिया से भाई, यहाँ पे एक बांस खोल दिया गया है लेकिन साइड से यदि आप देख रहे हो तो बांस अभी लगा हुआ है। और एक तरफ से ही एंट्री गेट और एग्जिट गेट है, बाकी इस साइड से वैसे तो मैं इससे पिछले साल आया था अयोध्या राम मंदिर का जो थीम बना था उससे देखने के लिए, तो इससे इस गेट से भाई एंट्री पॉइंट है और इससे उसका फिर मंदिर का इधर पास बीच से होते हुए फिर इस तरफ से भाई एग्जिट पॉइंट है और इस साइड से भाई उधर मतलब एग्जिट पॉइंट रहता है, मतलब वापस आप जा सकते
सकते हो, इस साइड से आप नहीं आ सकते। लेकिन अभी भाई दूसरा दिन ही है, इसलिए इस टाइम अभी छोड़े हुए हैं। अभी एक ही ओर से एग्जिट और एक ही ओर से भाई एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कतारों में लोग जा रहे हैं, एक साइड से जा रहे हैं एक साइड से आ रहे हैं भाई। ये आप देख सकते हो, ये भाई यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। और ये भाई रहा है संतोष मित्रा स्क्वायर का भव्य पंडाल। भाई टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, 7:13 हुआ है और अभी से ही आप देख सकते हो कि इतना भीड़ लग रहा है भाई, इतने भीड़ अभी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और ये भाई अभी जो पंडाल मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये भाई ऐसा ही है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी मैनेज हो रहा है, अंदर मतलब काम चल रहा है पंडाल में, इस कारण से अभी ये लाइट चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ये भाई लाइट चेंज होता है तो और भी आकर्षक दिखता है। चलो फिलहाल हम चलते हैं मंदिर का अंदर और उसका अंदर का भाग आपको दिखाते हैं भाई कि अंदर भाई किस प्रकार का लाइट है, किस तरह से सजाया गया है ये पंडाल। चलो चलते हैं। ये रहा भाई मैं आ गया लाइन में और यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में भाई बांस सब अभी लगा हुआ है क्योंकि अभी सारा कुछ खुला नहीं है। और ये रहा भाई संतोष मित्रा स्क्वायर का वे पंडाल। भाई फिलहाल हम अंदर जा रहे हैं, ये भाई एंट्री पॉइंट, एंट्री और एग्जिट भाई अभी सेम ही है, इधर से ही आना जाना हो रहा है। और ये रहा भाई यहाँ पे, अभी भाई नवरात्रि स्टार्ट हुए, दूसरा दिन हुआ है, अभी गेट पे हम लोग भाई 1 घंटे से खड़ा है, ये हुआ गेट यहीं पे खड़ा है क्योंकि भाई एग्जिट एक ही जगह है, इसलिए अंदर से लोग आ ही नहीं जा रहे, निकल ही नहीं पा रहे। अभी हम भाई अंदर जा रहे हैं और हम भी नहीं निकलेंगे भाई। चलो अंदर आपको दिखाता हूँ। ये रहा भाई, जगह छोड़ दिया इन्होंने और इस साइड में भाई लाइट लगेगा तो फिर माता दुर्गा के पास भाई लाइट आएगी। फिलहाल अभी ये लाइट से चल रहा है जो कि पंडाल के बीच में है।
5 सेकंड का होगा ये वाला लाइट, उसके बाद भाई ये गायब हो जाता है, मतलब रिपीटेड लगभग 5 सेकंड का ये रिपीटेड है, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। अभी भाई हमें लग रहा है कि बहुत कम ही चल रहा है, लेकिन जब लाइन में यदि लगते हैं तो जस्ट आपको सिर्फ 2 सेकंड भाई यहाँ पे रुकने को मिलता है, वहाँ से एंट्री कीजिएगा और यहाँ से भाई एग्जिट हो जाइएगा, और बस वही 2 सेकंड आप देख पाएगा, पूरा वीडियो आप देख भी नहीं पाएगा। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आप पूरा देख लो कि क्या है भाई ये थीम क्या है। हम भाई आ गए अंदर से मंदिर से देख लेने के बाद, और अंदर जो भाई जो लाइट स्लो चल रहा था, लाइट शो चल रहा है उसमें, मतलब पहले तो माँ दुर्गा रहती है वो आती है, उसके बाद महिषासुर भाई यज्ञ कर रहा होता है, तो उसकी नज़र भाई माँ दुर्गा पे पड़ता है, तो वो भाई वहाँ पे फिर माता दुर्गा और उनसे फिर झगड़ा होता है। ऐसे तो पहले शक्ति के आसार से होता है कि मतलब शक्ति को दिखाते हुए होता है, लेकिन उससे बात नहीं बनता है, तो फिर भाई महादेव प्रकट होते हैं और वो उनको तिलछुड़ देते हैं भाई, उसके बाद तिलछुड़ लेने के बाद उससे फिर वध किया जाता है भाई महिषासुर का। तो ये भाई था वो अंदर का जो भी ये जो मतलब जो लाइट चल रहा था उसकी ये डिटेल थी भाई। मैं भाई यहाँ 2 घंटे से हूँ और मैं सोच रहा हूँ भाई कि ये लाइट जब चेंज हो ना तो भाई इसका जो वीडियो रहेगा वो और भी अच्छा लगेगा देखने के लिए, लेकिन भाई लाइट ही नहीं चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो लोग इन पे गुस्सा रहा है। ये था भाई, यहाँ से ही मैनेज किया जा रहा है सारा कुछ, इन पे गुस्सा रहा था। बाकी अब इसके बाद अब जैसे और रात हो रहा है भाई, 9-10 बज रहा, वैसे भाई आप यहाँ पे देख सकते हो कि भीड़ भी बढ़ता जा रहा है। पहले तो मैंने तो सीधा गेट पे लाइन लगा था, लेकिन अभी भाई लाइन यहाँ तक आ गया, पूरा लोग भरे हुए हैं। इसका मेन कारण ये भी है कि जहाँ से एग्जिट गेट है वहाँ से भी सारे लोग इंटर कर रहे हैं और एग्जिट भी उतने लोग नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से इस साइड से जो, क्योंकि जैसे कि पहले जो पंडाल का रास्ता बनाया गया था इस साइड से एंट्री था और उस साइड से एग्जिट था भाई, तो इस साइड से लोग तो आ रहे हैं बट एग्जिट उतना लोग कर नहीं रहे हैं, इसलिए पंडाल में भाई ये लोग जा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे लाइन लगता ही जा रहा, बड़ा लाइन लग गया है ना, तो इसलिए यहाँ पे सारे लोग रुके हुए हैं। अभी भाई मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी ये जो लाइट चल रहा था यहाँ पे जो बीच में एडवर्टाइजमेंट है लाइट है, अभी सिर्फ सनलाइट का ऐड दिखा रहा था, लेकिन जब वो वहाँ पे मैनेजमेंट बोल के गई है उसके बाद भाई यहाँ पे देखो फिर एक आया जे एन रॉय हॉस्पिटल का, ये दूसरा ऐड है, और उसके बाद भाई यहाँ पे चल रहा है अभी मैं दिखाने वाला था वो हट गया अभी, वो जस्टिस का जो डॉक्टर हुए थे ना उसकी जस्टिस का भाई, उसका भी ऐड चल रहा है यहाँ पे, अभी शायद बंद हो गया भाई, देखो आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा भाई, ये देखो भाई, ये चल रहा V1 जस्टिस, ये रहा भाई ऐड, मैं इसी की बात कर रहा था भाई, ये देखो। इतना ज़्यादा बारिश आया कि सारा लाइन जो यहाँ पे आप देख रहे थे यहाँ तक लगा हुआ था वो लाइन भाई कुछ है ही नहीं, सारा लाइन हट गया, कुछ लोग उधर चले गए कुछ लोग इधर है, हम लोग भाई इस साइड में पूरा स्टेज के पास, कुछ लोग उधर रुके हुए हैं। यदि भाई आप घूमने आ रहे हो तो कोलकाता के मौसम पे आपको भरोसा नहीं करना है, आपको भाई एक छाता लेकर जरूर चलना चाहिए, तभी आप भाई बच सकते हो। बाकी ये देखो भाई, ये पूरा एरिया खाली है, अब कुछ भाई लोग आ रखे होंगे, धीरे धीरे लोग आएंगे भाई, ये देखो भाई सारा कुछ खाली हो चुका है भाई, बारिश गया है छूट, और अब भाई सभी लोग आ रहे हैं, लाइन लग रहे हैं यहाँ से देखने के लिए, और भाई अभी तक भाई ये चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब इसका लाइट चेंज ही नहीं हो रहा, हमने यहाँ से भाई पता किया, ये बोले भाई आज मुश्किल है सही होना, ये कल से फिर जैसा था वैसा ही चलेगा, यानी कि लाइट चेंज होगा भाई, आज तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग को मतलब अब तो मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा नहीं पाया, वैसे मैं किस और वीडियो का मैं आपको इसमें चला देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से भाई लाइट यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, ये पंडाल के भाई जस्ट सामने आपको यहाँ पे झूला वाला आपको लगा हुआ दिख जाएगा, यहाँ पे खाने वाने की दुकान आपको दिख जाएगी, तो ये रहा भाई झूला और सारा व्यवस्था जो कि यहाँ पे किया हुआ है, और यदि भाई आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो, तो भाई ये बेस्ट जगह है, आपको भाई आपको पंडाल भी एक बेस्ट
मिलने वाला है, जो कि आप कोलकाता में भाई ये मेरे ख्याल से टॉप फाइव में तो आता ही होगा ये पंडाल, जो कि आप देखोगे। और उसके बगल में भाई ये सब झुलवा उलवा, इसका आप इंजॉय ले सकते हो। तो भाई आप इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।